हम सब हमारी जिंदगी में अक्सर यात्रा तो करते हैं, कभी सड़क से और कभी हवाई मार्ग से। लेकिन जब भी हम अपनी कार से यात्रा करते हैं, हम ताजी हवा के लिए खिड़की भी खोलते हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी उचित मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो वहाँ यात्रियों को ऑक्सीजन कहाँ से और कैसे मिलती है? चलिए जानते हैं, उसके पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जब भी हम ग्राउंड पर होते हैं तो ग्राउंड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 किलो पास्कल होता है, जिसमें हम सामान्य तरीके से सांस ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि किसे कमर्शियल एरोप्लेन की, तो 35,000 फीट की ऊंचाई पर ये एयर प्रेशर 24 किलो पास्कल हो जाता है, जो सांस लेने के लिए बहुत कम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतनी ऊंचाई पर लोग जमीन की तरह सामान्य तरीके से ऑक्सीजन हासिल कर लेते हैं। उस ऊंचाई पर सामान्य तरीके से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऐसे में केबिन अलग से ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन ये ऑक्सीजन बाहर की हवा से अंदर पहुंचाई जाती है। ऐसे में एक तय प्रोसेस के जरिए बाहर की ऑक्सीजन को अंदर लाया जाता है और यात्रियों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है, ताकि यात्री बिना किसी दिक्कत के ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि एक प्रोसेस से गुजरने के बाद ऑक्सीजन मिलती है। ज्यादा ऊंचाई पर हवा सांस लेने योग्य नहीं होती है, क्योंकि वहां बहुत कम ऑक्सीजन होती है। इसके लिए बाहर की ऑक्सीजन को अंदर लाने के लिए एक प्रोसेस को पूरा किया जाता है। सबसे पहले बाहर की ऑक्सीजन इंजन में प्रवेश करती है और फिर बाहरी हवा को प्रोसेस किया जाता है। फिर गर्म हवा को अंदर लिया जाता है और इसे सांस लेने योग्य बनाया जाता है। फिर दूसरी हवा को बाहर किया जाता है, मगर सीधे इसे प्लेन में एंटर करके उपयोग में नहीं लाया जाता है। और अगर सिर्फ बाहर की ऑक्सीजन के भरोसे रहा जाए तो काफी मुश्किल हो सकती है और यात्रियों की मेडिकल कंडीशन खराब हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी यूजफुल लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।